नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। आजादी के 75वीं वर्षगांठ और 76वीं स्वतंत्रता दिवस पर अटल उत्कृष्ट पतलूट में भी स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रातः प्रभात फेरी में पतलूट बाजार तिरंगामय हो गया। संस्थाध्यक्ष आशुतोष साह द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर अभिभावक शिक्षक समिति अध्यक्ष केशव दत्त त्रिपाठी, SMC अध्यक्ष महिपाल सिंह मटियाली, क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनील कुमार, अभिभावक शिक्षक समिति के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण चंद्र पनेरू, राज्य के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य और प्रोफेसर डॉक्टर हेमंत कुमार जोशी, बुशरा फिरदौस, कंचन चौहान, बेबी बेस्ट मुनि देवी, संजय कुमार, गंगा सागर, गिरीश चंद्र, रेखा कनवाल, रमेश त्रिपाठी, गीता रजवार, पुष्पा गैड़ा, ममता आर्या, ज्योति पांडे, बालेश्वर सिंह, कमल चंद्र, निशा चिन्याल और अभिभावक छात्र छात्राओं समेत उपस्थित रहे। संस्थाध्यक्ष आशुतोष साह ने अपने संबोधन में बच्चों को उत्कृष्ट कार्य करने को प्रेरित किया ताकि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने की सार्थकता सिद्ध हो सके। साथ ही कहा कि जब 15 अगस्त को आज़ादी मिली तब दुनिया सो रही थी, हम जाग रहे थे, पर आज हम तिरंगा लहराते हुए रात हो या दिन हर समय जागे हुए हैं, जो हमारी राष्ट्र की सुरक्षा को और मजबूत कर रहे हैं। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए जिसमें देशभक्ति के गीत और कुमाऊनी नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति की गई। अतिथियों और शिक्षकों द्वारा आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर अपने विचार भी रखे गए। हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत हुई निबंध प्रश्नोत्तरी और पोस्टर के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। वाद विवाद प्रतियोगिता का शीर्षक था कि क्या तिरंगा फहराना ही राष्ट्रभक्ति है। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया। वाद विवाद प्रतियोगिता का परिणाम निम्न है। प्रथम स्थान पर संजय जोशी, द्वितीय मणिशंकर, दिनेश भट्ट, तृतीय अंजलि परगाई, पंकज परगाई। निबंध प्रतियोगिता में हिमानी भट्ट कक्षा 11, प्रथम पूजा भट्ट कक्षा 12 द्वितीय तथा ज्योति भट्ट कक्षा 9 ने तृतीय स्थान हासिल किया। कार्यक्रम का संचालन संस्कृत प्रवक्ता डॉक्टर हेमंत कुमार जोशी द्वारा किया गया। रमाकांत पंत की रिपोर्ट।